गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें इसके नंबर ऑफ प्रॉपर केमिकल प्रॉपर्टी हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन नंबर वन थी, नंबर टू रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेस। नाउ लास्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल इज दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है बेटा, ये क्या होती है कि ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ये क्या है होता है जो बेटा इसका साल्ट सॉल्यूशन होता है, जो इसमें से क्या होती है, जो मोर रिएक्टिव जो मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है बेटा। ठीक है, मोर रिएक्टिव जो मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करती है, डिस्प्लेस करती है, कर देती है। कहाँ से? इट्स फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन से। क्लियर बेटा? दिस मीन्स दैट व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस इन द साल्ट सॉल्यूशन, जब मोर रिएक्टिव मेटल को प्लेस कर रखते हैं साल्ट सॉल्यूशन में ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, देन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। कहाँ से? फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन से। क्लियर बेटा? अब क्या है कि अब इसमें कि रिएक्शन ऑफ मेटल आयरन मेटल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कि जब आयरन मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है कि जब बेटा हमने कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट होता है अपना CuSO4 और प्लस आयरन होता है Fe, तो बेटा ये क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट क्या होता है बेटा, FeSO4। ठीक है, और प्लस कॉपर और Cu ये बन जाता है। तो इट मीन्स क्या मतलब होता है बेटा, वहन ए स्ट्रिप ऑफ आयरन मेटल, यानी कि जब आयरन मेटल की स्ट्रिप, ठीक है, इज प्लेस इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रख देते हैं फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, देन ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर है जो ब्लू हो जाता है, क्या होता हो जाता है, फेड्स होता है, एंड रेड ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर मेटल इज डिपॉजिट। तो क्या है कि रेड ब्राउन यानी कि लाल और भूरे रंग की जो कोटिंग है वो डिपॉजिट हो जाती है आयरन स्टिक को। तो दिस रिएक्शन कैन बी रिटर्न, तो इस क्या है कि जो ये सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe आयरन होता है, तो क्या बनाती है, कॉपर आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर Cu। तो ये है रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 प्लस कॉपर Cu, कॉपर, अब क्या होता है इसमें कोई नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जब हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या है कि अब लेते हैं हम रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद कॉपर सल्फेट। ये तो थी हमने रिएक्शन ऑफ आयरन सल्फेट आयरन मेटल, अब जिंक मेटल लेते हैं। जिंक क्या होता है, जिंक जेड एन प्लस CuSO4, CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट। तो ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 और प्लस कॉपर Cu, तो ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या होता है कि इन दिस रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव मेटल जिंक, जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है जो जिंक, इज डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर। तो कॉपर को यह क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो जिंक मेटल डिस्प्लेसेस कॉपर मेटल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो अब क्या है कि जो जिंक सल्फेट हमारा और प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट बनाया है, तो इसमें क्या होता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर Cu, तो इसमें क्या होगा कि नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी बेटा। ठीक है, फिर अब इसमें नंबर तीन है कि जिंक सल्फेट विद आयरन सल्फेट, अब FeSO4 प्लस Zn जिंक, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस आयरन, ये होता है। अब जो जिंक सल्फेट बना है जो हमारा और प्लस आयरन ये बना है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं कोई नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी बेटा। तो ये है हमारी रिएक्शन विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर?
अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि कंपैरिजन बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जो केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल की, कि उसके बीच में कंपैरिजन करना है, डिफरेंस क्या है बेटा। अब मेटल और नॉन मेटल के लिए, मेटल में क्या होता है, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल होती है बेटा केमिकल प्रॉपर्टी में, वो नंबर वन मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड बनाती है, और नॉन मेटल क्या है, बनाती है फॉर्म्स एसिडिक सॉल्यूशन बनाती है। ठीक है बेटा, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट होता है जो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो मेटल के केस में होती है केमिकल प्रॉपर्टी कि मेटल जो वाटर के साथ रिएक्ट करती है और क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। ठीक है बेटा, और नॉन मेटल होती है वो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, या वाटर के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती। नंबर थ्री क्या होता है कि जो मेटल होती है रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, जो मेटल होती है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है और टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, जबकि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड के साथ जो नॉन मेटल है वो रिएक्ट नहीं करती। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टी बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, डिफरेंस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक आपका केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर कंप्लीट हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो गई, यूजेस ऑफ मेटल के कंप्लीट हो गया, नॉन यूजेस यूज ऑफ नॉन मेटल, ये टॉपिक आपका क्लियर। तो बेटा ये चैप्टर आपका है जो कंप्लीट हो चुका है, और बेटा इसको ठीक तरीके से अपने फिर बुक पे नोट कर लेना। तो आपके बेटा फोर चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। तो नेक्स्ट चैप्टर जो बेटा वो है आपका कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है बेटा, तो ये नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है बेटा हमारा, कि कोल है, फॉसिल फ्यूल्स है, प्रोडक्ट ऑफ कोल है, कोल गैस है, कोल तार है, कोक है, ये डिस्कस करेंगे हम। और पेट्रोलियम कैसे, पेट्रोलियम बनता है, पेट्रोल बनता है कैसे, इसको हम अर्थ से निकालते हैं, क्या प्रोसीजर है इसके निकालने की, तो ये है। फिर नेचुरल गैस क्या होती है, नेचुरल गैस में जैसे हमारा LPG है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, CNG है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है, और पेट्रोकेमिकल्स हैं, ये डिस्कस करेंगे आप। ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।